ये शरीर है ना, ये आत्मा का वाहन है। इस जीवात्मा की तीन प्रबल शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार। मन विचलित करता है, बुद्धि स्थिर रखता है, संस्कार सबका मुखिया होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम और आप शरीर नहीं है, आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयात्म ब्रह्म परात्म ब्रह्म। हमें कोई नहीं छू सकता, इस नश्वर शरीर को छू सकता है। तो हमें जड़ और चेतन, नश्वर और शाश्वत, स्थूल और सूक्ष्म की जानकारी चाहिए, जो एक सद्गुरु दे सकता है। सदगुरु विरक्त वाला, पैसे देंगे तो घर आएगा वो बाबा नहीं, पैसे देंगे तो कथा करेगा ऐसे लोग नहीं। हम सन्यासियों को तो ये परंपरा है कि अगर भक्त के घर गए और उसकी दाल में नमक नहीं है तो भी ठाकुर का प्रसाद स्वीकार करके ग्रहण करे। उसे ये भी अधिकार नहीं है कि नमक ज्यादा है या कम है। संत विरक्त होते हैं। हमसे लोग अक्सर कहते हैं कि भाई स्वामी जी, आप तो बहुत सुंदर कथा करते हो। हमारे पास भी लोग आते हैं, आप बहुत अच्छी कथा करते हो, आप चैनलों पे आना चालू करो, हम एक टीम बनाते हैं, आप 5 लाख 4 लाख रुपया लेके कथा लेना चालू करो। मैंने 10-5 मिनट उनको प्यार से बिठाना, चाय पिला देना, बोला भाई वो दुकान अगले गांव में है, यहाँ बिकने वाला कोई सौदा नहीं है, राम जी को हम बेचते भी हैं। तो हमने आज तक कभी पैसे लेकर कथा नहीं की और ना करना है। हम हमेशा अपने ठाकुर जी को कथा सुनाते हैं। इतने लोग बैठे हो, पब्लिक ना के बराबर है, पर मैं मेरी मस्ती में कथा करता हूँ, बालाजी को सुना रहा हूँ और वो सुन रहे हैं, बाकी दुनिया सुने या ना सुने। निष्काम भाव से काम करना चाहिए। और आज धर्म के व्यवसायीकरण ने सनातन को पीछे कर दिया। हमने देखा है कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, एक असहाय गरीब आदमी बड़े फटे हुए कपड़ों में पीछे की तरफ बैठा होता है, उसकी इच्छा होती है मैं राम जी की आरती करूं, पर उस बेचारे को बाहर ही रोक दिया जाता है। आरती वो करते हैं जिनकी देह में नोट होती है। इस धर्म के व्यवसायीकरण को ही मिटाने का बीड़ा लेकर उठ रहे हैं। और जहाँ तक मेरा तन मन, हम कभी व्यवसायीकरण ना करें, ना होने देंगे, इसलिए हम कभी कथा को बेच देंगे। कहीं भी कोई भी कथा कराता है, अपने जैसे वाहन है आता हूँ, कथा करता हूँ। रुक्मणी स्वयंवर, सीता स्वयंवर की साड़ियाँ भी हो तो गरीब में बांट करके नमा पार्वती पते हर हर महादेव करके निकल जाते हैं। यही भाव निष्काम परमात्मा के प्राप्ति का संकेत होता है। आवश्यकता की बात, कुछ लोग सोचते कि भाई बाबा इतने फक्कड़ हैं तो बाकी सब चलता कैसे। भाई बहन, मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, हमारी 2-3 दवाइयों की फैक्ट्री है, फूड प्रोडक्ट है हमारे ऑर्गेनिक, ब्रह्मांड फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बनाते हैं हम, ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी बनाते हैं हमारी है, ऑल इंडिया आर्थराइटिस फ्री मिशन, हर असाध्य व साध्य रोगों का हम इलाज करते हैं। हम धर्म को नहीं बेचते हैं और उनसे जो अर्जन आता है उसी से लोगों की सेवा करते हैं। जैसे 5,000 ऐसे बच्चों को गोद लिया गया है जिनके माँ बाप HIV में मर चुके हैं, ऐसे बच्चों की सेवा हम करते हैं। ऑल इंडिया आर्थराइटिस फ्री मिशन, ऑल इंडिया डायबिटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कभी संपर्क में आएंगे तो कहने का श्रेय है, निष्काम भाव से ही अगर आप कोई कार्य करें तो प्रभु के प्रिय हो सकते हैं। क्योंकि यज्ञ जो है ना, यज्ञ धातु से निर्मित है और यज्ञ के लिए प्राण की वेदी, हृदय की संविधा, ज्ञान अग्नि को जलाकर,
मनोविकृतियों की आहुति देने से यज्ञ पूरा होता है, घी और सामग्री जलाने से नहीं। एक कन्या कुदृष्टि का शिकार हो रही है, आपने उसका विवाह किया तो यज्ञ से कम नहीं। किसी का पार्थिव पड़ा है, उसका अंतिम संस्कार आपने किया तो यज्ञ से कम नहीं। अशिक्षित बालक है और उसको अगर आपने शिक्षा का व्यवस्था, तो वो दान नहीं गौ हत्या के बराबर मानता हूं, क्योंकि ईश्वर से जो जिम्मेदारी आपने स्वीकारा है पहले उसे पूरा करना आपका धर्म है, उससे मुकरना कायरता होता है। कहने का श्रेय है किसी भी प्रकार से निष्काम भाव से किया हुआ परमार्थ का कार्य यज्ञ से कम नहीं। नर सेवा है तो नारायण सेवा है। विश्व रूपी परमात्मा को देखकर प्राणी मात्र की सेवा करना ही मानवता की उपासना है और यही सबसे बड़ी साधना है। अंगद, जामवंत, हनुमान सब लोग ढूंढते ढूंढते सागर के तट पर पहुंच गए हैं, थक गए बैठे हैं। अचानक सागर के किनारे से एक आवाज आती है, भूखा हो, बहुत सालों से भूखा हूं, आज मैं सबको खा जाऊंगा। ये आवाज संपाती कर रहा है। संपाती और जटायु दोनों सगे भाई हैं। महाराज कश्यप की दोनों पत्नियां थी, एक को सर्पों की माँ, एक को पक्षियों की माँ बताया गया था। वो बात्सल्य का आनंद ले रही थी। ने कहा था कि मैं कब बात्सल्य का आनंद लूंगी, क्योंकि पक्षी का अंडा देर से टूटता है, उसमें बच्चा बहुत देर से होता है, और उन्होंने प्रभाव से उसको कम समय में तोड़ा था। उसका आधा शरीर काम नहीं करता था और वज्र जैसी ताकत ऋषि ने संपाती में डाल दी थी, यानी उसे अहंकार था। इनको देखकर कह रहा है खाऊंगा पीऊंगा, मार डालूंगा, भूखा हो प्यासा हो। अंगद ने कहा कि भाई ये भी गीत है और जटायु भी गीत है, तो चलो उसकी कीर्ति का गुणगान करते। जटायु ने कहा, आपस में चर्चा किया है अंगद इत्यादि ने, कि जटायु ने हिंसक पक्षी पा का तन पाके भी, एक हिंसक पक्षी का तन पाके भी योगी का कर्म दिखाया। एक पक्षी होते हुए भी अबला की लाज बचाने के लिए खुद के प्राणों की आहुति दे दी। आप याद रखिए, इस भारत का अगर एक पक्षी भी अबला की इज्जत बचाने के लिए प्राण की हत्या कर सकता है, और भारत में गौ हत्या के लिए उंगली उठाने वाला कोई नहीं, इसे क्या कहेंगे। सच तो भाई उस योद्धा ने मनुजों को कर्म दिखाए हैं और हिंसक पक्षी का तन पाके योगी के कर्म बताए हैं। जब जटायु का नाम सुनता है, संपाती कहता है भैया कहाँ है जटायु। अंगद कहते हैं आप जानते हो, कहता हाँ हम भाई हैं, एक बार हम दोनों में चर्चा चली, मैंने कहा मुझ में ज्यादा क्षमता है उड़ने की, उसने कहा मुझ में है ज्यादा क्षमता उड़ने की। उड़ान भरते भरते हम सूर्य के समीप चले गए, सूर्य के किरणों के, संपाती ने अहंकार में ऊपर उड़ान भरी और जटायु ने समर्पित करके वापस आ गया था, और वहीं से उसके संपाती के पंख जल गए, तब से वहीं। और जब संपाती की बात सुनी है तो संपाती ने जटायु की तिलांजलि दी है, जल दिया है सागर के किनारे, और उन्होंने कहा अपना उद्देश्य बताओ। हनुमान जी अपना हरि भजन में बैठे, जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, उन्होंने कहा जी हम जानकी को ढूंढने आए हैं, और जानकी की शोध तो मैं बता दूंगा। जानकी को किसने देखा पहले, संपाती ने देखा। संपाती ने कहा देखो मैं देख रहा हूं वो अशोक वाटिका में जानकी विराजित है, पर वहां जाएगा कौन,
अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस नहीं आ सकता। इस ओर से तो मैं चला जाऊंगा क्योंकि वहां आदिशक्ति बैठी है, उसके दृष्टिपात की शक्ति से मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मुड़ के आऊंगा मेरी पीठ उधर हो जाएगी, उस समय शक्ति मेरे साथ नहीं रहेगी। भाई बहन, अगर परमात्मा की तरफ पीठ कर लोगे ना तो फिर कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, इसलिए नेत्रों में परमात्मा की छवि बसा के ही रखना चाहिए, भाव होना चाहिए कि जिस देश में जिस वेश में वो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा कहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, संयोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में संयोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, रमण। अंगद ने कहा मैं जाऊंगा, इस तरफ से जाऊंगा, आदि शक्ति की तरफ मेरा मुख होगा, शक्ति के दृष्टिपात से उसकी शक्ति से पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मेरी पीठ मिल जाएगी तो मेरी शक्ति साथ नहीं देगी, फिर जाएगा कौन? अंगद विचार करते हैं मैं युवराज हूं, अगर मैं नहीं कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, मेरा ये धर्म बनता है। जामवंत जी सारी बातों को सुनते हैं, हनुमान जी की शक्ति छीण उनके गुरु ने कर दी थी, जिस समय चारों तरफ से लाह फैला कर उनके गुरुधाम को बाल समय में अग्नि लगाया गया था, हनुमान जी ने पूरे पहाड़े को उठा लिया था, लेकर के चले जा रहे थे और गुरुदेव ने कह दिया वो मूर्ख जिसने भी यह कृत किया है आज से उसे मूर्छा आ जाए, ये आ जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। और हनुमान जी जब अचेत हुए अंजनी की निवेदन के बाद उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा बल वैसा ही रहेगा, बुद्धि भी वैसा रहेगा, लेकिन तुम्हें कार्य करने के लिए याद दिलाना पड़ेगा, चेतना देनी पड़ेगी। जामवंत इत्यादि ने हनुमान जी को याद किया और स्तुति की कि हे काम रूप शंकर स्वरूप, हे काम रूप।